नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल एजुएज में आपका स्वागत है मेरा नाम विप्लव दोस्तों आज हम लोग दो विप्रो रिचार्जेबल एलईडी लाइट का कंपेरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट सही है कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट में कौन सा फंक्शन ज़्यादा है कौन सा सुटेबल है किसका प्राइस क्या है हम पूरे डिटेल में पूरे वीडियो में बात करेंगे तो पूरे वीडियो में आप बने रहिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना चुक तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक चीज़ का डिटेल हम बताते हैं तो दोनों ही टॉर्च विप्रो ब्रांड के हैं इसका जो मॉडल का नाम है ये है विप्रो एमरल्ड और ये है उइप्रो एरियल तो सबसे पहले हम दोनों का बैटरी के बारे में आप बात करते हैं तो इसमें आपको ली ऑन बैटरी जो कि 4000 थाउजेंड का मिलता है इसमें आपको 1200 हंड्रेड की बैटरी मिलता है तो बैटरी के मामले में ये आपका देखने में छोटा है लेकिन ज़्यादा पावरफुल आपको बैटरी विप्रो एम में देखने को मिलता है पावर आउटपुट की बात करें तो वीप्रो एम में आपको पाँच वाट का पावर आउटपुट देखने को मिलता है जबकि वीप्रो एरियल में आपको चार वाट का आउटपुट देखने को मिलता है तो पावर आउटपुट के मामले में भी वीप्रो एमरेल्ड इससे बेहतर है अब हम बात करते हैं मोड स्विच मोड यहाँ पे कितना दिया हुआ है तो इस टॉर्च में आपको तीन मोड देखने को मिलता है ये लो लाइट मोड ये आपका हाई लाइट मोड और नीचे जो है आपका बंद होता है मतलब ऑफ हो जाता है इसमें आपको चार मोड मिलते हैं वीप्रो एरियल में आपको चार मोड मिलते हैं है, हाई लाइट मोड लो लाइट मोड और आपका नीचे की साइड में आपको यहाँ पे मिल जाता है जो लालटेन टॉर्च का जो स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिलता है टॉर्च के लिए एक, एक एक्स्ट्रा आपको बटन मिल जाता है दोनों में ही तीन तीन मोड ही है हालांकि इसमें एक लालटेन दिया हुआ है जिसके चलते एक मोड यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको डुल चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है मतलब इसमें आपको कॉर्ड मिलता है इस टॉर्च के साथ आपको कॉर्ड मिलता है और यहाँ पे आप नॉर्मल जो मोबाइल चार्जर है नॉर्मल मोबाइल चार्जिंग मोबाइल चार्जर से भी आप चार्ज कर सकते हैं तो इसमें डुअल चार्जिंग मोड आपको मिल जाता है जबकि वीप्रो एरियल में आपको डुअल चार्जिंग ऑप्शन नहीं मिलता है इसमें सिर्फ आपको सी टाइप ही मिलता है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं तो इस मामले में भी आपको वीप्रो एमर एल्ड इससे बेहतर नज़र आता है अब हम बात करते हैं कि ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन और जो आपको लाइट इंडिकेटर जो चार्जिंग इंडिकेटर आपको दोनों में है कि नहीं तो विप्रो एमरेल्ड में आपको यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है जबकि विप्रो एरियल में आपको चार्जिंग इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता है तो इस मामले में भी विप्रो एमरेल्ड इससे बेहतर है अब हम बात करते हैं चार्जिंग टाइम तो चार्जिंग टाइम की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में आपको चार घंटा में फुल चार्ज हो जाता है जबकि दस घंटा लगता है मोबाइल से चार्जिंग करने में और इसमें जो कि आपका सिंगल चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो ये इसमें आपको छः घंटा चार्ज करने का टाइम मिल जाता है तो इस हिसाब से मे मेरे हिसाब से देखा जाए कि मोबाइल चार्जिंग में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मोबाइल चार्जिंग का जो टाइम है इसमें छः घंटा लगता है इसमें दस घंटा लगता है तो इस मामले में थोड़ा सा बेहतर ये नज़र आता है हालाँकि डायरेक्ट चार्जिंग का ऑप्शन इसमें भी इसमें दिया गया है जिससे आप चार घंटे में इसको फुल चार्ज कर सकते हैं तो ये आ, इस हिसाब से देखा जाए तो कंपेरिजन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है अगर मोबाइल चार्जिंग की सिर्फ बात करें तो मोबाइल चार्जिंग में मेरे ख्याल से ये ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसको लेस टाइम लगता है चार्ज फुल चार्ज होने में साइज़ की बात करें तो आप उइप्रो एरियल बहुत ही बड़ा साइज़ का यहाँ पे आप देख सकते हैं जबकि उइप्रो एम काफ़ी छोटा साइज़ का है आप बात करते हैं कि एक और एक्स्ट्रा फीचर्स जो इसमें है इसमें नहीं है तो एक्स्ट्रा फीचर्स है कि इसमें लालटेन आपको देखने को मिल जाता है जो लालटेन आप देख सकते हैं तो लालटेन का लाइट यहाँ पे मिल जाता है जबकि उप्रो एमर में आपको लालटेन नहीं मिलता है तो उस हिसाब से बात करें तो अगर एक ही प्राइस में आपको यहाँ पे लालटेन मिल जाता है आपको हैंग करने का एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि इसमें नहीं है तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये प्रोडक्ट बेहतर है अब बात करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो ये प्रोडक्ट मेड इन चाइना है ये मेड इन इंडिया है अगर इस पर भी हम बात करें तो ज़्यादा भरोसा लोगों का मेड इन इंडिया में ज़्यादा भरोसा होता है और आपको पता है कि मेड इन चाइना पे भरोसा करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और इसमें बॉक्स में आपको वारंटी कार्ड भी देखने को नहीं मिलता है जबकि इसमें वारंटी कार्ड आपको एक साल का वारंटी देखने को मिलती है तो मेड इन इंडिया है इसलिए एक साल का वारंटी यहाँ पे मिल जाता है ये मेड इन चाइना है इसलिए आपको वारंटी बॉक्स में वारंटी कार्ड यहाँ पे देखने को नहीं, नहीं मिलता है तो ओवरऑल अगर दोनों टॉर्च की बात करें तो मेरे ख्याल से अपनी अपनी राय है कुछ जगह ये बेहतर है कुछ जगह ये बेहतर है आपको अगर डुल लाइट की रिक्वायरमेंट है तो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट सही है और आपको अगर टॉर्च सिर्फ टॉर्च की ज़रूरत है तो मेरे ख्याल से इसमें 4000 थाउजेंड का बैटरी दिया हुआ है तो टॉर्च के लिए ये प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है अब बात करते हैं प्राइस तो प्राइस की बात करें तो ये इसका जो एम का एम है ये फोर्टीन का एम है जबकि वीप्रो ए का एम है 1199। हालांकि ये प्रोडक्ट आपको 600-700 में मिल जाता है मार्केट में ये भी प्रोडक्ट आपको 600 700 800 में मार्केट में मिल जाता है तो दोनों प्रोडक्ट को आप अगर अमेजोन में आप अगर सर्च करते हैं या फ्लिपकार्ट में सर्च करते हैं तो दोनों का प्राइस में हार्डली फ़िफ्टी रुपीज़ या हंड्रेड रुपीज़ का आपको डिफरेंस नज़र आता है तो लाइट की अगर बात करें तो ये मुझे ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा है क्योंकि ये पाँच वाट का है और ये इसका जो टॉर्च है वन पॉइंट वाट का है तो देखा जाए तो हाफ से भी कम इसका लाइट है तो इस मामले में भी ये आ, मेरे ख्याल से बेहतर साबित हो रहा है तो आपको अगर ये प्रोडक्ट अच्छा लगा और आ, आपको लगता है कि ये दोनों में से कोई एक आपका काम पे आने वाला है तो प्रोडक्ट का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं और आप परचेज भी कर सकते हैं हमारे चैनल में बहुत सारा आपको रिव्यूज़ एंड अनबॉक्सिंग आपको देखने को मिलेगा लाइट का डिफरेंट डिफरेंट डिफरें ब्रांड का वहाँ से भी आप डिटेल में आप रिव्यू देख सकते हैं अनबॉक्सिंग देख सकते हैं प्रोडक्ट को अच्छी तरह से देख सकते हैं और आपको जो प्रोडक्ट सही लगे तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं तो बस आज के लिए बस इतना ही हम फिर मिलेंगे नया प्रोडक्ट के साथ नया रिव्यू के साथ तब तक लिए जय हिंद बाय।